और अधिक जानकारी लेंगे इस पूरी खबर पर। हमारे साथ हमारे डेप्यूटी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, अगर बात करें इस फेरबदल की, चूंकि कहा जा रहा है कि बड़ा फेरबदल यहाँ पर हुआ है, कुछ ऐसे अधिकारी है जिनको अतिरिक्त चार्ज भी मिला है, उसको लेकर भी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए लंबे समय से इस IPS तबादला सूची का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि 6 सितंबर को एक जंबो तबादला सूची आई थी IAS अधिकारियों की, और उस समय से ही लगातार IPS अधिकारियों का कैडर, IPS अधिकारी इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी तबादला सूची आएगी, क्योंकि 50 से अधिक IPS अधिकारी ऐसे थे इंदू जो पुरानी सरकार के समय से काम कर रहे थे नई सरकार में, तो जाहिर तौर पर बदलाव जरूरी था। इंतजार लंबा हो गया, रोज़ आजकल चलता रहा, लेकिन फाइनली कल देर रात IPS अधिकारियों की तबादला सूची आई और बड़ी तादाद में IPS अधिकारियों के तबादले किए गए। कल अगर जो तबादला सूची आई है उसकी हाईलाइट्स की बात करें कि उसकी हाईलाइट्स क्या है, तो उसकी पहली जो हाईलाइट है वो ये है कि बीजू जॉर्ज जोसेफ जयपुर के पुलिस कमिश्नर बने रहेंगे, क्योंकि ये लगातार चर्चाएँ थी कि जयपुर का नया पुलिस कमिश्नर कौन होगा या बीजू को कंटिन्यू रखा जाएगा, लेकिन जो उनकी कार्यशैली है, जो उनका काम है, खुद मुख्यमंत्री भी उनसे प्रभावित हैं, उनकी तारीफ कर चुके हैं, यही कारण है कि बीजू का विकल्प अभी नहीं मिल पाया है। दावेदार कई थे, कई अधिकारी थे जो लॉबिंग कर रहे थे, कई अधिकारियों की सिफारिश थी जयपुर पुलिस कमिश्नर के लिए, लेकिन फिलहाल राजस्थान सरकार ने, भजनलाल शर्मा की सरकार ने बीजू में अपना भरोसा कायम किया है और बीजू जॉर्ज जोसेफ जो कि पिछली सरकार में पुलिस कमिश्नर बने थे जयपुर के, वो पुलिस कमिश्नर बने रहेंगे, उनको कंटिन्यू रखा गया है इस सरकार में भी, ये पहली हाईलाइट है। इसके अलावा JDA में DIG की पोस्टिंग हुई है, कैलाश चंद्र बिश्नोई जो कि अभी तक पुलिस आयुक्तालय में थे, वो कमिश्नर वन थे वहाँ पर, पैंथर वन जिन्हें कहा जाता है, उनको अब JDA भेजा गया है। JDA में उनकी पोस्टिंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली जो सरकार थी अशोक गहलोत की, उस पिछली सरकार में एक बार पोस्टिंग हुई थी, मुझे याद आ रहा है हरेंद्र महावर की, लेकिन वो वहाँ पर ज्वाइन नहीं कर पाए थे और जो पूरे समय एडिशनल SP थे उन्होंने ही प्रवर्तन शाखा का काम संभाला था, और अभी जिस तरीके से शिकायतें हैं वहाँ पर, जिस तरीके से पुलिस के लोगों में, खासकर इंस्पेक्टरों में दौड़ है JDA में जाने की, मलाई खाने की, उसको कंट्रोल करने के लिए, भ्रष्टाचार की शिकायतों पर काबू पाने के लिए सरकार ने कैलाश बिश्नोई को जिम्मेदारी दी है। कैलाश बिश्नोई अब JDA में DIG होंगे और उम्मीद ये की है कि उनके जाने के बाद जो अवैध निर्माण की, अवैध कॉलोनियों की शिकायतें हैं उन पर काबू पाया जाएगा। अब सूची की अगर बात करें तो गोविंद गुप्ता का नाम इस सूची में है जो कि DG बने हैं हाल ही में, और ये माना जा रहा था कि जब भी तबादला सूची आएगी उनको DG जेल लगाया जा सकता है, क्योंकि DG जेल की पोस्ट को खाली रखना भी किसी के समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ से मुख्यमंत्री को धमकी मिल चुकी जान से मारने की, तमाम जगह मोबाइल मिल रहे हैं, तमाम जगह प्रतिबंधित चीज़ें मिल रही थी, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने होमगार्ड में DG लगा रखा था लेकिन जेल में DG नहीं था। अब गोविंद गुप्ता को वहाँ पर DG लगाया गया है, अच्छे अनुभवी अधिकारी माने जाते हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि जो जेल का जो ढांचा है उसको वो बदलने की कोशिश करेंगे। अनिल पालीवाल का इस सूची में नाम है जो अभी तक ADG रेलवे थे, पिछली सरकार में भी वो ADG रेलवे थे, अब उनको टेलीकम्युनिकेशन में ADG लगाया गया है, तकनीकी सेवाएँ जो जिसमें दूर संचार भी आता है, जिसमें जो सोशल मीडिया है पुलिस का उसको भी संभालेंगे अब अनिल पालीवाल। अशोक कुमार राठौड़ का नाम है, अशोक कुमार राठौड़ ADG विजिलेंस थे, और जो विजिलेंस की सीट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है पुलिस मुख्यालय में, लेकिन अब अशोक कुमार राठौड़ को विजिलेंस से हटाया गया है, विजिलेंस से हटाकर उन्हें ट्रेनिंग में भेजा गया है, तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अशोक कुमार राठौड़ नुकसान में रहे हैं इस तबादला सूची में। इससे पहले वो ADG विजिलेंस की पोस्ट पर थे, महत्वपूर्ण जगह थी, लेकिन अब उनका ट्रांसफर हुआ है। ADG मालिनी अग्रवाल का सूची में नाम है, वो अभी तक ट्रेनिंग में ADG थी मालिनी अग्रवाल, लेकिन अब उनको सिविल राइट्स और एंटी ह्यूमन में लगाया गया है, सिविल राइट्स की ADG बनाया गया है मालिनी अग्रवाल को। इसके बाद सचिन मित्तल का नाम है, सचिन मित्तल भी काफ़ी समय से भर्ती में थे, पदोन्नति बोर्ड में थे, जो नई भर्तियां होती हैं पुलिस की उनकी जिम्मेदारी उनके पास थी, लेकिन सचिन मित्तल को अब कार्मिक में लगाया गया है। कार्मिक भी PHQ में एक अच्छा महकमा माना जाता है ADG स्तर के अधिकारी के लिए, और संजीव नारदरी जो अभी तक कार्मिक की जिम्मेदारी संभाल रहे थे काफ़ी समय से, उनको अब विजिलेंस में भेजा गया है, जो सतर्कता शाखा है उसकी जिम्मेदारी दी गई है संजीव कुमार नारदरी को। इसके अलावा एस सिंगथिर का इसमें नाम, हवा सिंह घुमरिया का नाम है इस सूची में, और हवा सिंह घुमरिया का भी एक तरीके से कह सकते हैं कि इस सूची के लिहाज से वो नुकसान में रहे हैं, वो अभी तक ADG यातायात थे, लेकिन कल जो सूची आई है देर रात उसमें हवा सिंह घुमरिया को
एसडीआरएफ का आईडीजी लगाया गया है, इसके अलावा नियम का भी उनको काम दिया गया है, तो कोई बहुत महत्व की पोस्ट नहीं है जहाँ पर हवा सिंह घुमरिया को अब लगाया गया है। एस संगथर का नाम है, वो पीएचक्यू से बाहर भेजे गए हैं, उनको आरपीए की जिम्मेदारी मिली है, जो राजस्थान पुलिस अकादमी है उसको लीड करेंगे अब एस संगथर, उनका भी नाम है। विपिन कुमार पांडे का भी सूची में नाम है, वो अभी तक टेलीकम्युनिकेशन में थे, उनको भर्ती और जो पदोन्नति बोर्ड है पीएचक्यू का उसमें पोस्टिंग दी गई है इंदु। इसके अलावा पी रामजी का नाम है, जो पिछली सरकार के समय से ही आरपीए की कमान संभाल रहे थे, आरपीए में थे, उनका आरपीए से तबादला कर दिया गया है और पी रामजी को एडीजी लगाया गया है गृह रक्षा में, यानी कि होमगार्ड में एडीजी होंगे पी रामजी। भूपेंद्र साहू का इसमें नाम है, एडीजी स्तर के अधिकारी हैं, अभी सिविल राइट्स में थे, अब इनको रेलवे में लगाया गया है। इसके अलावा प्रफुल्ल कुमार का नाम है, प्रफुल्ल कुमार अभी क्राइम ब्रांच में थे लेकिन अब उनका क्राइम ब्रांच से तबादला किया गया है और उनको विजिलेंस में भेजा गया है, जहां पर पोस्टिंग हुई है संजीव कुमार नारजली की बतौर एडीजी, वहां पर आईजी प्रफुल्ल कुमार को लगाया गया है, अभी तक वो दिनेश एमएन की टीम में थे, क्राइम ब्रांच में थे। इसके बाद राजेश मीणा का नाम है, इनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। राजेश मीणा ये कह सकते हैं कि इस पूरी तबादला सूची में जो दो तीन चर्चित नाम है उनमें से राजेश मीणा है, क्योंकि इनको उदयपुर रेंज का आईजी लगाया गया है। उदयपुर रेंज में कई अधिकारी देश में थे, कई अधिकारी चाहते थे कि वो उदयपुर रेंज जाएं, लेकिन राजेश मीणा इसमें कामयाब रहे हैं। जो समीकरण थे, चाहे वो सिफारिश के तौर पर हों, चाहे वो उनके अनुभव के तौर पर हों, वो राजेश मीणा के काम आए और उनकी बहुत अच्छी पोस्टिंग हुई है, उनको उदयपुर रेंज में आईजी लगाया गया है। संदीप सिंह चौहान का नाम है, जो कम्युनिटी पुलिसिंग में अभी तक आईजी थे, उनको गृह रक्षा में आईजी लगाया गया है होमगार्ड में, ये भी बहुत अच्छी पोस्टिंग नहीं मानी जा सकती। अजय पाल लांबा ये चर्चित नाम है इस तबादला सूची का, क्योंकि अजय पाल लांबा उन आईपीएस अधिकारियों में से शामिल हैं जो अपने सेवा काल में हमेशा अच्छी पोस्टिंग पर रहे हैं और अभी भी ये आईपीएस तबादला सूची जब अटक रही थी तो इस तरीके की चर्चाएं थी कि जयपुर रेंज में आईजी कौन हो, इसको लेकर पसोपेश में है सरकार, इसको लेकर सिफारिशें कई हैं, लेकिन अजय पाल लंबा जो है वो जयपुर रेंज आईजी लगने में सफल हुए हैं। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अजय पाल लांबा की जो कोशिश थी, क्योंकि ये चर्चा थी वो जयपुर आना चाहते हैं, उदयपुर रेंज में थे वो पिछली सरकार के समय थे, तो एक तो उनकी जो आईजी की कुर्सी थी वो बरकरार रही है इस तबादला सूची में, दूसरा वो जयपुर भी आ गए हैं और जयपुर रेंज काफ़ी प्रतिष्ठित रेंज मानी जाती है पुलिस में, क्योंकि एक तो मुख्यालय आपका जयपुर में है, काम करने के लिए भी आपके पास काफ़ी मौका है और जयपुर रेंज में लगने के लिए इंदु कई सारे आईपीएस अधिकारी कतार में थे, वो जयपुर रेंज लगना चाहते थे, लेकिन अजय पाल लांबा यहाँ पर आईजी लगने में सफल हुए हैं। इसके अलावा विष्णुकांत का सूची में नाम है, एसीबी में जब ये थे उस समय इनका एक ऑडियो वायरल हो गया था, उस समय से जो इनका बुरा समय शुरू हुआ है विष्णुकांत का, वो अभी भी जारी है, अभी भी इनकी कोई बहुत अच्छी पोस्टिंग नहीं हुई। ये होमगार्ड में अभी तक आईजी थे लेकिन अब उनको सिक्योरिटी में आईजी लगाया गया है, यानी कि कोई रेंज की जिम्मेदारी विष्णुकांत को नहीं मिली है। परम ज्योति का इसमें नाम है, वो अभी तक आईजी थी विजिलेंस में, उनको क्राइम ब्रांच में आईजी लगाया गया है। अंशुमान भौमिया का भी नाम है, अंशुमान भौमिया 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और लंबे समय से जो अंशुमान भौमिया का इंतजार है रेंज में आईजी और डीआईजी लगने का, वो पूरा नहीं हुआ है। 2000 काफ़ी समय पहले मुझे याद आ रहा है कि वो कोटा सिटी में एसपी थे, उन उसके बाद से उनकी फील्ड पोस्टिंग नहीं हुई है, वो डीआईजी रह लिए तब भी उनको फील्ड में जिम्मेदारी नहीं मिली, वो आईजी बन गए तब भी उनको किसी रेंज में भी नहीं लगाया गया है। अंशुमान भौमिया को एटीएस में थे और एटीएस से उनको अब आईजी पीएचक्यू हेडक्वार्टर लगाया गया है। हेमंत कुमार शर्मा का नाम है, उनको एटीएस में भेजा गया है आईजी बनाकर। डॉक्टर रवि का नाम है इसमें जो पूरी सूची आई है इसमें एसीबी से दो अधिकारियों का तबादला किया गया है डीआईजी स्तर के, और दो डीआईजी स्तर के अधिकारियों को एसीबी में भेजा गया है। तो जो रवि है, डॉक्टर रवि, ये भी काफ़ी समय से थे एसीबी में, इनका वहाँ से तबादला कर दिया गया है और इनको उप महानिरीक्षक बनाया गया है पुलिस आयोजना और आधुनिकीकरण में। कैलाश चंद्र बिश्नोई, जिनका हम शुरू में ही बतौर हाईलाइट जिक्र कर चुके, जयपुर कमिश्नरेट में अच्छा कार्यकाल रहा है इनका, बतौर एडिशनल पुलिस कमिश्नर अपनी छाप छोड़ी उन्होंने और अब उनको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है जेडीए में। जेडीए में जो पुलिस की जिम्मेदारी है वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पुलिसिंग के नाम पर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, जो आपने ट्रेनिंग में सीखा है हैदराबाद में, जो आपने आपकी नौकरी के अनुभव में सीखा है, वो बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा जेडीए में आपके। जेडीए में जो पूरा काम है वो आपका डिफरेंट है, जेडीए में आपको सिर्फ जो अवैध निर्माण है उन पर कार्रवाई करनी है, कॉलोनियों पर कार्रवाई करनी है जो अवैध कटती हैं, और करनी प्राथमिकता से है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पिक एंड चूज की जो पॉलिसी है जेडीए में वो बहुत पुरानी है,
उसको रोकना और पटरी पर लाना जेडीए की एनफोर्समेंट विंग को, ये बड़ी चुनौती होगी कैलाश चंद बिश्नोई की। रणधीर सिंह भी हैं जिनको एसीबी से बाहर किया गया है, उनको अब डीआईजी लगाया गया है विजिलेंस में, वो एसीबी में थे। प्रीति चंद्रा हैं जो पुलिस कमिश्नरेट में थी, इनकी भी अच्छी पोस्टिंग नहीं हुई है बहुत ज़्यादा, इनको ट्रेनिंग में लगाया गया है, पुलिस प्रशिक्षण में इनको लगाया गया है, पुलिस कमिश्नरेट से बाहर आ गई है प्रीति चंद्रा। राहुल कोटोकी को अच्छी जिम्मेदारी मिली है, राहुल कोटोकी अब एसीबी में डीआईजी होंगे। राजेश सिंह का भी इंतजार खत्म हुआ है, राजेश सिंह भी जब से डीआईजी बने हैं अच्छी पोस्टिंग नहीं हो रही थी उनकी, लास्ट में मुझे याद है कि वो सवाई माधोपुर में पुलिस अधीक्षक रहे थे, लेकिन अब उनको एसीबी में जिम्मेदारी मिल गई है राजेश सिंह को। इसके अलावा कुमार राष्ट्रदीप का सूची में नाम है। कुमार राष्ट्रदीप ने जो बतौर एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा काम किया उसका उनको इनाम मिला है, और उनकी पुलिस कमिश्नरेट में कुर्सी बरकरार रही है, अपग्रेड कर दी गई है, अब वो अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रथम होंगे पुलिस आयुक्तालय में राष्ट्रदीप सिंह। इससे पहले भी वो पुलिस आयुक्तालय में पुलिस कमिश्नरेट में जयपुर में डीसीपी रह चुके हैं, अच्छी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। कल्याणवन मीणा ये काफ़ी समय से हाड़ौती में थे, कोटा में थे, कल्याणवन मीणा इनको अब जयपुर बुलाया गया है, कल्याणमल मीणा को, ये पीएचक्यू में होंगे, इनको भर्ती और जो पदोन्नति बोर्ड है वहाँ पर लगाया गया है। अनिल कुमार दुती का इसमें नाम है, इनको भी एसीबी में पोस्टिंग मिली है। एसीबी की पोस्टिंग बतौर डीआईजी अच्छी पोस्टिंग मानी जाती है, खासकर तब जब आप पीएचक्यू में किसी सेक्शन में बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा काम नहीं आपके पास, उस समय एसीबी में आपके पास करने को काफ़ी कुछ है। और एसीबी में भी जो डीजी है रवि प्रकाश मेहरड़ा, उनका टीम वर्क बहुत अच्छा है, वहाँ जितने भी डीआईजी और एडीजी हैं उनको बराबर मौका मिलता है काम करने का, तो इनकी भी अच्छी पोस्टिंग हुई है। शिवराज मीणा का भी पुनर्वास हुआ है, काफ़ी समय से शिवराज मीणा पुलिस मुख्यालय में थे, कम महत्व की पोस्ट में थे, धौलपुर गए थे, ज़्यादा लंबी पारी नहीं खेल पाए वहाँ पर, लेकिन अब उनको एसीबी में डीआईजी लगाया गया है, कोटा की उनको जिम्मेदारी मिली है। रामेश्वर सिंह की वापसी हुई है पुलिस आयुक्तालय में, पहले भी वो वहाँ पर रह चुके हैं, अब उनको एक बार फिर से पुलिस आयुक्तालय की जिम्मेदारी मिली है रामेश्वर सिंह को, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त उनको लगाया गया है इंदु, और अब वो जो जयपुर के पुलिस कमिश्नर है बीजू उनकी लीडरशिप में काम करेंगे। इसके अलावा अब नाम आता है मनीष अग्रवाल का, यहाँ से मैं जो नाम पढ़ रहा हूँ वो पुलिस अधीक्षक स्तर के नाम है, किन को एसपी बनने का मौका मिला है, किन की एसपी की कुर्सी गई है, इसका हम पोस्टमार्टम अब कर रहे हैं। तो मनीष अग्रवाल हैं जो करप्शन करते हुए पकड़े गए थे दौसा में, भ्रष्टाचार कर रहे थे, जो नया एक्सप्रेसवे बन रहा था, लंबे समय के बाद उनकी बहाली हुई है, एपीओ थे, अब उनको पोस्टिंग मिल गई है, और मनीष अग्रवाल को नियम में लगाया गया है, रूल्स में एसपी लगाया गया है, लेकिन ठीक है उनकी नौकरी कम से कम उनको वापस मिली है, कुर्सी मिल गई है उनको बैठने के लिए मनीष अग्रवाल को। योगेश दादीज की अच्छी पोस्टिंग हुई है, ये अभी तक एसओजी में डीआईजी थे, हालांकि एसओजी भी अभी काफ़ी एक्टिव थी, लेकिन इनको अब अतिरिक्त पुलिस आयुक्त बनाया गया है जयपुर कमिश्नरेट में, और वहाँ पर ये यातायात और प्रशासन की जिम्मेदारी देखेंगे जो अभी तक प्रीति चंद्रा देख रही थी, तो अच्छी जिम्मेदारी मान सकते हैं योगेश दादीज की। आनंद शर्मा जो एसपी अलवर थे, एसपी की कुर्सी बरकरार रही है, जयपुर ग्रामीण इनको भेजा गया है, अलवर और जयपुर ग्रामीण वैसे भी बहुत ज़्यादा सटे हुए हैं, तो आनंद शर्मा का जो अलवर का अनुभव है वो काम आएगा। राजन दुष्यंत, इस नाम पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राजन दुष्यंत बहुत भाग्यशाली, मैं आईपीएस कहूं या मैं कहूं कि बहुत पावरफुल आईपीएस अधिकारी हैं, वो जब से इंदु प्रमोट हुए हैं आईपीएस में वो एसपी बनते जा रहे हैं, वो हर ज़िले में करीब करीब एसपी रह लिए, वो चित्तौड़ में एसपी रह लिए, वो भीलवाड़ा में एसपी रह लिए, वो और भी कई महत्वपूर्ण जिलों में एसपी रह लिए, और ये सातवां जिला है, वो भीलवाड़ा से हटाए जरूर गए हैं लेकिन उनकी एसपी की कुर्सी बरकरार रही है, उनको कोटपुतली और बहरोड़ का एसपी बनाया गया इंदु। तो ये कई आईपीएस पूछ भी रहे हैं कि राजन दुष्यंत के पास कौन सा फॉर्मूला है कि वो लगातार एसपी बनते जा रहे हैं, सरकार ने फिर उनको एसपी बनाया है और ये सातवां जिला है। आमतौर पर कोई आईपीएस खासकर जब वो प्रमोट हुए हों तो सात जिलों में एसपी नहीं रह पाते, लेकिन राजन दुष्यंत कमाल है, उनकी जो एसपी की कुर्सी है वो बरकरार है अभी तक। इसके अलावा राममूर्ति जोशी हैं जिनको पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण बनाया गया है, ये अभी तक जीआरपी में थे। अरशद अली हैं, इनको लंबे समय के बाद ठीक ठाक जिला मिला है, पहले ये सलूम्बर में थे लेकिन अब इनको हनुमानगढ़ मिला है, अच्छा जिला है, बड़ा जिला है, काम करने का मौका होगा अरशद अली के पास। शांतनु कुमार सिंह हैं, वो खुद नहीं चाहते थे उनके पारिवारिक कारणों से कि वो फील्ड में एसपी रहें, उन्होंने निवेदन किया था, उनका निवेदन सरकार ने माना है और शांतनु कुमार सिंह अब एसपी बनाए गए हैं साइबर क्राइम पीएचक्यू में। देवेंद्र कुमार बिश्नोई का नाम है, अजमेर के एसपी थे, मुझे याद आता है महीने भर पहले एक एसएचओ की उन्होंने लिस्ट निकाली लेकिन ऐसी चर्चा चली कि शायद जो वहाँ के डीआईजी थे उनको वो सूची पसंद नहीं आई या कोई और कारण रहा, वो सूची उनको रोल बैक करनी पड़ी एक डेढ़ घंटे के बाद ही,
तो देवेंद्र कुमार बिश्नोई का भी अजमेर से तबादला हुआ है, उनको जयपुर पुलिस आयुक्तालय में लगाया गया है मुख्यालय में। मारुति जोशी का इसमें नाम है, मारुति जोशी सतर्कता में थी एसपी, इनको फील्ड में नहीं भेजा गया है, इनको सिविल राइट्स का एसपी लगाया गया है मारुति जोशी को। विनीत कुमार बंसल का नाम है जो अभी केकड़ी में एसपी थे, इनको प्रतापगढ़ भेजा गया है, चुनौतीपूर्ण जिला है, वहाँ के एसपी लक्ष्मण दास को कुछ दिन पहले इसलिए हटाया था कि वो एनडीपीएस में अच्छा काम नहीं कर रहे थे, तो विनीत कुमार बंसल की चुनौती होगी क्योंकि वहाँ अगर एसएचओ भी पकड़ा जाता है तो वो 8 लाख की रिश्वत लेता है। आप समझिए कि नशे का कितना कारोबार है प्रतापगढ़ में। इसके बाद श्याम सिंह का नाम है, श्याम सिंह भी पुलिस उपायुक्त थे मुख्यालय में, वो चाह रहे थे फील्ड में जाना, उनको जिला मिला है, छोटा मिला है, नया जिला मिला है, ब्यावर के वो एसपी बनाए गए हैं। पिछली सरकार में वो भरतपुर के एसपी रहे और भी कई जगह अच्छी जगह एसपी रहे श्याम सिंह। तेजस्विनी गौतम का नाम है जो काफ़ी समय से बीकानेर में एसपी थी, वो बीकानेर से उनका तबादला हुआ है, जयपुर वो आ रही हैं और जयपुर में जो ईस्ट है, जो पूर्व है, जिसमें एयरपोर्ट आता है, जिसमें एयरपोर्ट के आसपास का इलाका आता है, मालवीय नगर आता है, उस इलाके में जगतपुरा प्रताप नगर, उस इलाके की जो एसपी हैं डीसीपी हैं वो तेजस्विनी गौतम होंगी। संजीव नैन का नाम है, संजीव नैन की अच्छी पोस्टिंग हुई है, संजीव नैन प्रमोटी आईपीएस अधिकारी हैं, टोंक में थे, टोंक के एसपी थे, लेकिन अब उनको अलवर का एसपी लगाया गया है, अलवर एक बड़ा जिला है पुलिस में, तो संजीव नैन की पोस्टिंग काफ़ी अच्छी हुई है, उनकी जो लॉबिंग थी वो काम आई है कह सकते हैं। नरेंद्र सिंह जो ब्यावर के एसपी थे उनको जीआरपी अजमेर लगाया गया है। धर्मेंद्र सिंह का सूची में नाम है, धर्मेंद्र सिंह यंग आईपीएस ऑफिसर हैं और जो युवा आईपीएस अधिकारी हैं, 5-7 अगर मैं युवा आईपीएस अधिकारियों के नाम लूं तो उसमें धर्मेंद्र सिंह का नाम आता है, क्योंकि उन्होंने जहां जहां उनकी पोस्टिंग रही है काम करके दिखाया है, उनको जोधपुर ग्रामीण से भीलवाड़ा भेजा गया है और जो भीलवाड़ा जिला है इंदू वो पुलिस के लिए एक चैलेंजिंग जिला बन गया है। अभी भी आपने देखा होगा, चाहे वो जल झूलनी एकादशी हो जिसमें पथराव हो गया, एक धार्मिक स्थल से पत्थर फेंके गए, उससे पहले भी वहाँ टकराव, खासकर धार्मिक त्योहारों पर आपसी झगड़े की सूचनाएं आती रहती हैं, तो जो धर्मेंद्र कुमार हैं उन पर सरकार ने भरोसा जताया, उम्मीद की है कि वो अपना जो उनकी अच्छी कार्यशैली रही है अभी तक, चाहे वो धौलपुर के एसपी रहे हों, चाहे वो जोधपुर ग्रामीण के एसपी रहे हों, अच्छा काम वो भीलवाड़ा में करेंगे। करण शर्मा हैं जो पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण थे, वो पुलिस अधीक्षक बने हैं सतर्कता के, जयपुर के मुख्यालय में आ गए हैं वो। लक्ष्मण दास जो प्रतापगढ़ से हटाए गए थे, एपीओ किए गए थे, उनको सीआईडी क्राइम ब्रांच में एसपी लगाया गया है। हनुमान प्रसाद मीणा, इनका बूंदी से तबादला हुआ है, ये कुचामन डीडबना के एसपी होंगे। राजेश कुमार कांवट, ये जो नया जिला है शाहपुरा, वहाँ से नॉन फील्ड हो गए हैं और इनको सीआईडी सीबी में लगाया गया है। राजेंद्र कुमार मीणा जो कि डीडबना कुचामन में थे, छोटा जिला था, उसके मुकाबले बूंदी के वो एसपी बने, अच्छी पोस्टिंग है। काविंद्र सिंह सागर, काविंद्र सिंह सागर भी 2015 बैच के युवा आईपीएस अधिकारी हैं, अच्छा काम उनका रहा कोटा ग्रामीण में जब वो पिछले दिनों पोस्टिंग थी, लेकिन जब इस सरकार के आने के बाद लिस्ट आई उस सरकार में उनको जयपुर लगा दिया गया और कविंद्र सिंह सागर अपनी नौकरी के शुरुआत में पहले भी जयपुर में रह चुके थे, तो कविंद्र सिंह सागर की भी अच्छी पोस्टिंग हुई है कि उनको संभाग मुख्यालय में लगाया गया है बीकानेर में। बीकानेर बड़ा जिला है और काफ़ी कुछ करने का मौका है कविंद्र सिंह सागर के पास, वो अधिकारी भी अच्छे हैं, यंग अधिकारी हैं। वंदिता राणा की अच्छी पोस्टिंग हुई है, वंदिता राणा ये भी 2017 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं, अभी कोटपुतली और बहरोड़ में एसपी थी, इनको अजमेर जैसा जिला दिया गया है और अजमेर जिला भी पुलिस में महत्वपूर्ण जिला है, अजमेर की इनको कमान मिली है और लंबे समय के बाद अजमेर में महिला पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति हुई है, उसमें वंदिता राणा का नाम है, तो वंदिता राणा की अच्छी पोस्टिंग कह सकते हैं। विकास सांगवान का नाम है, वो हनुमानगढ़ में थे, उनको टोंक लगाया गया है एसपी। कुंदन कवरिया का नाम है, बालोतरा में थे, उनको क्राइम ब्रांच में लगाया गया है जयपुर कमिश्नरेट में। सुशील कुमार का इस सूची में नाम है, वो पुलिस अधीक्षक थे साइबर क्राइम में, उनको मेट्रो में लगाया गया है। सुशील कुमार 2019 बैच के हैं, काफ़ी समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किसी ज़िले में एसपी बने, लेकिन एक विवाद उनके साथ चला हुआ है और वो विवाद हो सकता है फिर कारण बना है कि उनको मेट्रो में लगाया गया है, फील्ड में उनको नहीं भेजा गया अभी। हरिशंकर हैं जो साचौर में थे, इनको बालोतरा लगाया गया है। इसके बाद एक आखिरी नाम है 58 नंबर पर, सुजीत शंकर का, जो गंगापुर सिटी के एसपी थे 2020 बैच के। ये नाम महत्वपूर्ण है क्योंकि आमतौर पर इतने नए आईपीएस अधिकारी को पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण, एक जो संभाग स्तर का जिला है रूरल एरिया, वहाँ की कमान दी गई है। 4 आईपीएस ऐसे भी हैं जिनको एडिशनल कमान दी गई है, ममता गुप्ता जो सवाई माधोपुर की एसपी हैं गंगापुर सिटी का काम देखेंगी, धर्मेंद्र सिंह जो भीलवाड़ा के एसपी हैं शाहपुरा का काम देखेंगे, ज्ञानचंद यादव जो जालौर के एसपी हैं साचौर का काम देखेंगे, वंदिता राणा जो अजमेर की एसपी है वो केकड़ी का काम देखेंगी। तो ये पूरी आईपीएस की तबादला सूची है और इस आईपीएस तबादला सूची में ये कह सकते हैं कि कई अधिकारी ऐसे थे
जिनका इंतजार पूरा नहीं हुआ, वो चाहते थे कि या तो जिस जिले में अभी हैं वहाँ से निकलकर उनको अच्छे जिले में भेज दिया जाए, या वो चाहते थे कि अगर हम फील्ड में नहीं हैं तो हमको फील्ड की कमान मिले। लेकिन थोड़ी सी छोटी तबादला सूची आई, जितना इंतजार इस तबादला सूची के लिए किया जा रहा था, माना जा रहा था कि 90 से 100 लोगों की तबादला सूची होगी, लेकिन थोड़ी सी तबादला सूची आई और छोटी आई, कम आई। और इस तबादला सूची की हाईलाइट्स वापस वही हैं कि जयपुर में जो पुलिस कमिश्नर है वो कंटिन्यू करेंगे, लंबे समय के बाद JDA में पोस्टिंग हुई है, DIG के तौर पर कैलाश बिश्नोई की, अजय पाल लांबा जो कि उदयपुर रेंज IG थे पिछली सरकार के समय से, इस सरकार में भी वो पावरफुल बने रहेंगे। जयपुर रेंज IG आए हैं, कई अधिकारी थे जो जयपुर रेंज IG लगना चाहते थे, लेकिन अजय पाल लांबा सफल हुए जयपुर रेंज IG लगने में। इंदु, बिल्कुल शिवेंद्र, आपने विस्तार से बताया कि किसको कौन सी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है और बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है। लेकिन शिवेंद्र देखिए, क्योंकि प्रशासनिक फेरबदल बड़ा हुआ है, 22 IAS अफसर भी ऐसे हैं जिनके यहाँ पे तबादले हुए। अभी हमने जिक्र किया तमाम IPS का, लेकिन यहाँ पे जिक्र उन 22 IAS अफसरों का करना भी जरूरी हो जाता है जिनका तबादला यहाँ पर हुआ है। 8 को यहाँ पे अतिरिक्त चार्ज दिया है, पीयूष समरिया को कार्यकारी निदेशक लगाया गया है, राजस्थान शहरी पीजीओ राजेंद्र कुमार वर्मा को प्रबंध लगाया गया है निदेशक, और देखिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम मुकुंद असावा को लगाया गया है, जिला कलेक्टर राजसमंद डॉक्टर खुशहाल यादव को लगाया है, संयुक्त सचिव वित्त कर विभाग अरुण कुमार हसीजा को लगाया गया। तो इस तरह से यहाँ पे भी देखिए तबादला हुआ है। और सहयोगी शिवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पहले हमने बात की थी तमाम IPS की जिनका तबादला यहाँ पर हुआ है। शिवेंद्र देखिए, बात करें उन IAS ऑफिसर्स की, 22 IAS ऑफिसर्स ऐसे हुए हैं जिनका तबादला यहाँ पर हुआ है, 8 को यहाँ पे अतिरिक्त जिम्मा दिया गया है, इसका भी जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है शिवेंद्र। बिल्कुल, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि IAS तबादला सूची में इसलिए माना जा रहा था कि IAS की तबादला सूची आएगी क्योंकि जो आशीष मोदी थे जिनको चूरू का कलेक्टर लगाया गया था उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, उस समय से ये तय हो गया था कि IAS की एक तबादला सूची आएगी। लेकिन जो IAS की तबादला सूची आई वो थोड़ी सी बड़ी आ गई, इतना उम्मीद नहीं कर रहे थे। 22 लोगों की तबादला सूची है और सभी नाम इसमें भी इंटरेस्टिंग है। भवानी सिंह देथा जो कि 6 सितंबर को ही अजमेर भेजे गए थे रेवेन्यू बोर्ड, उनको 15 दिन में रिलीफ मिल गया, अजमेर वो जाना नहीं चाहते थे, उनकी जयपुर वापसी हुई है सिर्फ 15 दिन में। और भवानी सिंह देता को आयुर्वेद विभाग में अब प्रमुख सचिव लगाया गया है, यानी कि 15 दिन के बाद ही भवानी सिंह देता के लिए अच्छी खबर आ गई। अम्बरीश कुमार लंबे समय से डेपुटेशन में थे, ईसा फाउंडेशन में काम कर रहे थे, इससे पहले जो सामाजिक न्याय विभाग है उसमें कमिश्नर रह चुके थे राजस्थान में, उनकी वापसी हुई, उनको पोस्टिंग अच्छी मिली है, उनको सेक्रेटरी लगाया गया है चिकित्सा शिक्षा विभाग का। और ये जो चिकित्सा शिक्षा विभाग है, पिछली सूची में गायत्री राठौड़ को इसका एडिशनल चार्ज दिया गया था, तो अम्बरीश कुमार वापस लौटे हैं और बहुत प्रभावशाली तरीके से वापस लौटे हैं ये कहा जा सकता है। उर्मिला राजौरिया का नाम है जो कोटा में संभागीय आयुक्त थी, उनको प्रशासनिक सुधार विभाग में सेक्रेटरी लगाया गया है, उनकी पोस्टिंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रशासनिक सुधार विभाग में लंबे समय से स्थायी अधिकारी नहीं था, पहले राजन विशाल के पास इसका एडिशनल चार्ज था, फिर इसका एडिशनल चार्ज के पाठक को दिया गया, अब लंबे समय के बाद जो प्रशासनिक सुधार विभाग है वहाँ पर स्थायी पोस्टिंग हुई है। प्रतिभा सिंह जो कि पाली की संभागीय आयुक्त थी, उनको अपग्रेड किया गया है, वो जोधपुर की संभागीय आयुक्त होंगी, तो पाली के मुकाबले जोधपुर का संभागीय आयुक्त ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बड़ा संभाग है जोधपुर। राजेंद्र विजय का नाम है, इनका तबादला सिर्फ 15 दिन में दूसरी बार हो गया है, 15 दिन पहले इनको RU IDP में लगाया गया था, लेकिन अब इनको संभागीय आयुक्त कोटा लगाया गया है, पहले 12 में कलेक्टर रह चुके हैं राजेंद्र विजय। हरिमोहन मीणा की जो कलेक्ट्री है वो 15 दिन में चली गई है, हरिमोहन मीणा 6 सितंबर को DEEC के कलेक्टर लगाए गए थे, उस समय ये खबरें आई थी कि हरिमोहन मीणा एग्री नहीं थे, खुश नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे, वो बड़ा जिला उम्मीद कर रहे थे, इसलिए काफ़ी समय तक उन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया, वो गए नहीं DEEC, बाद में वो DEEC गए लेकिन 15 दिन बाद ही वो वापस आ गए, उनको DEEC कलेक्टर से तबादला कर दिया गया है। ओम प्रकाश कसेरा जो कि नई सरकार के आने के बाद जोधपुर भेजे गए थे वो जयपुर आ गए हैं वापस, उनको अब IT सर्विसेज और राजस्थान ऊर्जा निगम में लगाया गया है प्रबंध निदेशक। पुखराज सेन का भी 15 दिन में दूसरी बार नाम आ गया है, पुखराज सेन को 6 सितंबर को JCTSL में MD लगाया गया था, माना जा रहा था कि वो भी खुश नहीं थे, वो चाह रहे थे कि कलेक्टर लगना है, छोटा जिला मिल जाए तो छोटा सही, उनके प्रयास कामयाब हुए हैं, 15 दिन के बाद ही पुखराज सेन को कलेक्ट्री मिल गई है डीडवाना कुचामन की। लेकिन जो JCTSL जो लो फ्लोर चलती हैं बसें उसकी जो पोस्ट है वो इस समय खाली हो गई है जयपुर में। शुभम चौधरी का नाम है, शुभम चौधरी जो कि राजसमंद के कलेक्टर थे वो कलेक्टर तो बने रहेंगे लेकिन उनको सवाईमाधोपुर लगाया गया है, उनका जिला बदल दिया गया है। डॉक्टर भंवरलाल का नाम है, इनका नाम भी 15 दिन में दूसरी बार तबादला सूची में आया है, 15 दिन पहले डॉक्टर भंवरलाल को इंदू,
प्रबंध निदेशक राजस्थान ऊर्जा विकास आईटी सर्विस लगाया गया था, लेकिन अब इनको जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में एमडी लगाया गया है भंवरलाल को। पीयूष सामरिया का भी नाम 15 दिन में दूसरी बार आया है। 15 दिन पहले इनको जोधपुर भेजा गया था आयुक्त नगर निगम उत्तर बनाकर, लेकिन अब इनकी आरयू आईडीपी में जयपुर वापसी हो गई है। 15 दिन में दूसरी बार पीयूष सामरिया का तबादला हुआ है। राजेंद्र कुमार वर्मा का तबादला भी 15 दिन में दूसरी बार हुआ है। 15 दिन पहले इनको स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी का अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी लगाया गया था, लेकिन अब इनको एमडी राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति लगाया गया है। राजेंद्र कुमार वर्मा को 2014 बैच के प्रमोटी आई है सरकार। ठीक है शिवेंद्र, आपने समझाया कि किस तरह से यहाँ पे तबादला हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है शिवेंद्र, क्योंकि हमने तमाम आईपीएस ऑफिसर्स की भी बात की, तमाम आईएएस ऑफिसर्स की भी बात की जिनका तबादला यहाँ पर हुआ। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र पूरी खबर पर विस्तार से आपने जानकारी साझा करी उसके लिए। तो देखिए तबादला यहाँ पर हुआ है, बड़ा फेरबदल इससे माना जा रहा है और अब देखने वाली बात ये होगी कि इस फेरबदल से जो तमाम विभाग है उन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है।